ये जामफल, लाल जामफल का पेड़ है, ये देखिए, इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप का जामफल है। हम इसका नया पौधा बनाने के लिए इस पर एक गुट्टी बांध रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ हल्का सा कट लगा के इसको छीला हुआ है, इसको एकदम साफ करना है और हल्का सा स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने से इसमें जड़ जल्दी बनती है। फिर आपने इस पर क्या लगाया? इसके बाद इस पर थोड़ा सा ये रूटिंग हार्मोन लगाएंगे, जो हमें कहीं भी प्लांट्स की दुकान पर मिल जाएगा। अच्छा, अगर इसके बीच में अगर इस तरह की कोई आँख आ जाती है तो वो भी अच्छी रहती होगी? हाँ, ये तो बीच में एक आँख लेना ही होता है, तो वो रूटिंग अच्छी होती है उसमें। ये आप क्या लगा रहे हैं? ये एक पन्नी के ऊपर हमने कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर बना के उसको पन्नी पर रख लिया है ये इस तरीके से, और इसे हम अब इसके ऊपर जो हमने रूटिंग हार्मोन लगाया है इसके चारों तरफ इसको लपेटते हुए इसको आपने अच्छे से इसको कवर किया है। इसको कवर कर देंगे, ये चारों तरफ से इसकी जो जिस हिस्से को काटा हुआ है इन्होंने, छीला हुआ है, और जिस जगह पर इन्होंने हार्मोन्स लगाया है, रूटिंग हार्मोन्स, वो उसको अच्छे से कवर कर दिया है। अब है ना, इसको पन्नी से टाइट करना है जिससे एयर ना जा सके। फिर हम इसे धागे से बांध देंगे, अच्छे से टाइट बांधना है इसको हमें। अच्छा अच्छा, मिट्टी हमको उतनी ही गीली लेनी है कि उससे निचोड़ने पे पानी ना टपके, बस वो मॉइस्चर उसमें बना हो। इस तरह से हम किसी भी पौधे की रूटिंग कर सकते हैं? हाँ, इस तरह से हम किसी भी बड़े पौधे की पौधे से नया पौधा बना सकते हैं और वो हमें जल्दी फल देगा। अच्छा, इसे थोड़ा टाइट बांधना है। ये बंद कर, हमारी तैयार करने का कितना आसान और ये देखिए बंद कर तैयार हो गया है। ये एक और बांधा है हमने अभी। अरे वाह, ये एक और बनाया। 15 से 30 दिन के अंदर इसमें रूट्स आ जाएंगी और फिर हम इसे यहाँ से कट करके नए गमले में लगाकर एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।